पुराने छात्र इस संस्थान के ऋणी हैं, जिसकी अच्छी शिक्षा की वजह से आज हम समाज में अपना स्थान बना पाए हैं। आपने सुना होगा मेट्रो रेल जो आवाज आपको सुनाई देती है हर स्टेशन के ऊपर, ये स्टेशन आ रहा है, वो भी हमारे मेरे से 2 साल जूनियर है। वो इस उन्होंने मशीन टूल में किसी इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग की, लेकिन उन्होंने अपना एक स्टूडियो बनाया, तो शम्मी नारंग उनका नाम है। आप देखेंगे आपको सब पता चलेगा, वो शम्मी नारंग वो इसी इंस्टीट्यूट का प्रोडक्ट है। तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी, मेरे हमदम ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना ना सीखा जीना तेरे बिना। संस्कृति हमारी जो आदर्श विश्व में है, लेकिन जब हम मीडिया की बात करते हैं तो कई बार आपको सुनने को मिलता होगा या मिलेगा भी, महात्मा गांधी थे, लोकमान्य तिलक भी रहे, बराड़कर जी रहे, माखनलाल चतुर्वेदी, बस जो हिंदी में कहें या अंग्रेजी में आप कहेंगे कि भाई कुलदीप नायर जी ने जो काम किया, इंद्र मल्होत्रा जी ने किया, जो हमारे बड़े ऐसे संपादक आज़ादी के बाद भी रहे। लेकिन मेरा ये मानना है कि विश्व हमारी स्वतंत्रता से पहले, फ्रीडम से पहले जो पत्रकारिता थी उससे हम आगे बढ़े। आज ये कार्यक्रम मीडिया अध्ययन विभाग के द्वारा सभी नए विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से आयोजित किया गया है। मैं सभी विद्यार्थियों का विश्वविद्यालय में स्वागत करता हूं और विश्वास दिलवाता हूं कि विश्वविद्यालय परिवार आपके सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आप लोग उस YMCA में आए हो, उस इंस्टीट्यूट में आए हो, जेसी बोस यूनिवर्सिटी में आए हो, जिसको सुखदेव जी जैसे सफल व्यक्ति रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्होंने अपना समाज में इतना नाम किया और इतने सफलतापूर्वक तरीके से उन्होंने अपने उद्योग चलाए और कितने सारे लोगों को उसके लिए जॉब ऑफर करी। एक तरीके से उन लोगों ने समाज का ही नहीं सुधार किया, अपने पूर्व इंस्टीट्यूट से भी जुड़े रहे और समय से समय हम लोगों की भी बहुत मदद करते रहते हैं। जर्नलिस्ट की वैल्यू होती थी, जो वो बोल देते थे वो सही होता था। अब आप विश्वास नहीं कर सकते हो। पहली बात, अगर मुझे कोई बात जाननी है, मैं एक जर्नलिस्ट पर विश्वास नहीं करूंगी। हमने देखा कि न्यायपालिका में भी बहुत सारी दरारें सामने आई, बहुत सारे जजेस के ऐसे मामले सामने आए कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए और उन पर कार्यवाही हुई। डिफेंस पर आप उंगली नहीं उठा सकते थे, डिफेंस के घोटाले आप सबके सामने, हम उसको सैक्रोसेंट मानते थे, होली का वो मानते थे, हम उसको कभी टच नहीं करते। राजनेता तो ऐसा शब्द है जो इस देश में पहले ही गाली बन चुका। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो लोकतंत्र के बिल्कुल डिफाइंड स्तंभ हैं, पिलर्स हैं, उन सभी में क्षरण आया। उस क्षरण को लेकर समाज चिंतित रहा, लेकिन उस क्षरण को थामने के लिए चौथा पिलर जो कि वर्चुअल है, आभासीय, जिसको कहा गया है पर डिफाइंड नहीं है, थामने के लिए कोई सामने आया तो वो पत्रकार आया। और जब उसमें भी क्षरण आया तो हमको चिंता हुई, क्योंकि हम ये उम्मीद करते हैं कि सारी दुनिया भ्रष्टाचार करे लेकिन पत्रकार आसमान से, अंतरिक्ष से, ऐसे पैराशूट से आए जो इस समाज का हिस्सा नहीं। क्या ऐसा है? वो उसी समाज का हिस्सा है। जैसे कुछ जज खराब हैं, जैसे कुछ पुलिस वाले खराब हैं, जैसे कई नेता, ज्यादातर नेता खराब हैं,
लेकिन सारे नेता खराब नहीं है, ऐसे ही कुछ पत्रकार खराब हैं, उन्होंने पूरी पत्रकारिता को बदनाम अवश्य किया है, लेकिन सारे पत्रकार खराब नहीं है।